गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू EVS स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 16 प्लांट किंगडम इसे रीड करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, प्लांट्स की दुनिया, प्लांट्स का राज्य। तो प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट देखो, लेट्स रिकॉल में आपको दिया गया है लेबल एंड कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो, एक प्लांट की पिक्चर बनी हुई है, आपको इसके पार्ट्स को लेबल करना है, मतलब इसके जो पार्ट्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं और इस प्लांट को कलर करना है। जैसे देखो, जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है वो रूट होता है, तो इसे रूट लिखना। इसके मिट्टी के ऊपर जो पार्ट ग्रो करता है, बढ़ता है, उसे शूट कहते हैं। शूट में आपके स्टेम, लीव, ब्रांचेस, रूट, फ्लावर, ये सब आएंगे, तो आप इन्हें लेबल करोगे और इस पिक्चर में कलर करोगे। चलो अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लांट का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इट टू ग्रो एंड लीव। प्लांट का जो हर एक पार्ट होता है वो प्लांट को ग्रो करने में और प्लांट को जीवित रहने में मदद करता है। अब हम प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है रूट। रूट होती है, देखो, जड़, जो मिट्टी के नीचे ग्रो करती है। देखो, ये रूट है। अब रूट के बारे में देखो, रूट के बारे में यहाँ बताया गया है। रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। देखो, जो रूट होती है वो प्लांट को फिक्स रखती है मिट्टी से। देखो, रूट आपकी मिट्टी में होती है, जो जड़ें हैं प्लांट की वो मिट्टी में होती हैं, तो ये प्लांट को फिक्स रखती हैं। इससे प्लांट हमारा फिक्स रहता है मिट्टी से, और जो भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं और पानी होता है, उसे एब्जॉर्ब करती है रूट। सेकेंड है आपका स्टेम। स्टेम होता है तना। देखो, ये है आपका स्टेम। स्टेम कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स। जो स्टेम होता है वो लीव्स के लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है लीव्स को। अब जो लीव्स होती है वो प्लांट्स के लिए खाना पकाती है। अब खाना पकाने के लिए उसे पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो पानी और न्यूट्रिएंट्स स्टेम लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस आल्सो ग्रो फ्रॉम इट। अब देखो, जो बाकी जितने भी शूट के पार्ट्स हैं, लाइक आपके ब्रांचेस, रूट, फ्लावर, लीव, ये सभी स्टेम में से ग्रो करते हैं। देखो, पहले रूट में से स्टेम निकलता है, तभी ये पार्ट्स इसमें से निकल के ग्रो करते हैं। क्लियर है बेटा? अगला देखो, ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स प्लांट के लिए खाना पकाती है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। फ्लावर्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, और सीड से क्या होता है, सीड से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमने प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आगे देखो, ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ न्यू प्लांट। किस तरीके से एक सीड एक नए प्लांट में ग्रो करता है, किस प्रकार से एक बीज से एक प्लांट उगाया जाता है। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। किस प्रकार जो बीज है वो अंकुरित होता है और एक प्लांट बनता है, उसके स्टेजेस आपको बताई जा रही हैं। व्हेन अ सीड गेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। जब एक बीज को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो जर्मिनेट होना, अंकुरित होना शुरू कर देता है। द रूट ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल एंड शूट अबव द सॉइल। देखो, जो प्लांट का पार्ट होता है रूट, जड़, वो मिट्टी के नीचे की ओर ग्रो करता है, और जो शूट होता है वो मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। अ शूट हैज ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। शूट में आपके ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी पार्ट्स आते हैं। सम फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनके अंदर सीड होते हैं, बीज होते हैं, और उन बीजों से एक और नया प्लांट उगाया जाता है। तो देखो, यहाँ पिक्चर्स के थ्रू भी आपको समझाया गया है। देखो, इस बीज को मिट्टी में दबाया गया। अब देखो, इस बीज को हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, तो इन ये तीन चीज़ें इसे मिल रही है, तो देखो इसने जर्मिनेट होना शुरू कर दिया, मतलब ये अंकुरित हुआ। अब देखो, अंकुरित हुआ तो देखो, ये रूट्स मिट्टी के नीचे बढ़ रही है, और देखो ये शूट वाला पार्ट है, ये ऊपर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से एक प्लांट ग्रो करता है एक सीड से। क्लियर है बेटा? अगला देखो, फूड फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स के खाने के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो, आपने अपने आसपास जितने ही प्लांट्स देखे होंगे, अधिकतर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। अब वो ग्रीन कलर उनका क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। जो ग्रीन लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स उनके लिए खाना पकाती है।
अब बेस को खाना पकाने के लिए क्या चाहिए, एयर, सनलाइट एंड वाटर, ये तीन चीज़ें होंगी उसके पास, तभी लीव्स खाना पका पाएंगी। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखो लीव्स के खाना पकाने के बाद जो स्टेम होता है, देखो ये तना, पौधे का जो तना होता है इसका क्या काम होता है, जब लीव्स खाना पका लेती हैं तो ये स्टेम पूरे प्लांट्स के सभी पार्ट्स को वो खाना पहुँचाता है, ये स्टेम का काम है। सम पार्ट्स ऑफ द फूड इज़ यूज बाय द प्लांट फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो जो खाना पक के तैयार हो जाता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं अपने कुछ कामों के लिए, और कुछ हिस्से को वो स्टोर रखते हैं अपने कुछ पार्ट्स के अंदर, बचा के रखते हैं, जैसे कि स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, इन पार्ट्स में वो अपने कुछ खाने को स्टोर करके बचा के रखते हैं। अब देखो जो ये ग्रीन लीव्स एयर, सनलाइट और वाटर की हेल्प से जो खाना पकाती है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, ये आपको डू यू नो में दिया गया है, जो प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया है, जो ग्रीन लीव्स एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से प्लांट के लिए खाना पका रही है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अगला देखो, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, हमारे द्वारा खाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट्स के और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो देखो जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स अपने पार्ट्स में स्टोर करके रखता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उन पार्ट्स को इंसानों और जानवरों के द्वारा खाया जाता है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो फर्स्ट, दीज आर द रूट्स दैट वी ईट। देखो ये कुछ रूट्स हैं कुछ प्लांट्स की जिन्हें हम खाते हैं, देखो जैसे टर्निप, कैरेट, बीट रूट, तो ये कुछ रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं प्लांट्स की, जिन्हें हमारे द्वारा खाया जाता है। अब देखो स्टेम, कुछ प्लांट्स का स्टेम होता है तना, जिसे हम खाते हैं, जैसे कि देखो शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ये स्टेम्स होते हैं, तने होते हैं प्लांट्स की, जिन्हें हमारे द्वारा खाया जाता है। अगला है देखो, कुछ प्लांट्स की हम लीव्स को भी खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, जैसे कि देखो स्पिनच, कॉलीफ्लावर, सॉरी कैबेज, कैबेज है ये, कैबेज, और ये आपका मिंट, ये सभी आपके कोरिएंडर, ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्तों को आप खाते हो, इनके पत्तों को हमारे द्वारा खाया जाता है, इनके पत्ते खाए जा सकते हैं। अगला देखो, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स तो ऑलमोस्ट जितने ही प्लांट्स सभी के फ्रूट्स खाए जाते हैं, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, टमाटो है, ये सभी फ्रूट्स तो खाते ही हम सभी। अब देखो कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स में आपका ये कॉलीफ्लावर जो होते हैं, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सभी प्लांट्स के पार्ट्स हैं फ्लावर, जिन्हें हम खाते हैं। अब कुछ प्लांट्स के सीड यानी बीज खाए जाते हैं हमारे द्वारा, जैसे कि देखो आपका वीट है, राइस है, मेज है, तो ये जो ग्रेन्स हैं ये सीड होते हैं, बीज होते हैं प्लांट्स के, जिन्हें हमारे द्वारा खाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने पढ़ा उन प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जिन्हें हम खा सकते हैं, जिनमें जो उनका एक्स्ट्रा फूड होता है, स्टोर होता है, और ये हमारे द्वारा खाया जाता है, ऐसे हम खा सकते हैं। अब देखो आगे पढ़ते हैं, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के और भी कुछ यूजेस हैं, देखो हम प्लांट्स से हमें खाना, भोजन तो मिलता ही है, इसके अलावा प्लांट्स हमारे और किस किस काम आते हैं। देखो वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें कॉटन मिलती है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था, कॉटन हमें प्लांट से मिलती है और इससे कॉटन का कपड़ा बनता है। जूट से देखो रस्सी बनती है, तो ये हमें प्लांट से मिलती है। इसके अलावा देखो प्लांट से हमें और क्या मिलता है, प्लांट से हमें लकड़ी मिलती है, वुड, लकड़ी हमारा एज अ फ्यूल यूज़ होता है। देखो चूल्हे पे जो खाना पकाया जाता है उसमें लकड़ी जलाई जाती है, लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तभी हम खाना उसे पका पा रहे हैं। इसके अलावा देखो लकड़ी से बहुत सारी घर की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि हमारा जो जितना ही वुडन फर्नीचर्स हैं वो सभी लकड़ी के बने होते हैं। इसके अलावा देखो लकड़ी से जो लकड़ी का पल्प होता है, लुगदी होती है, उससे पेपर भी बनाया जाता है, जो पेपर आप यूज़ कर रहे हो आपकी बुक्स के पेपर, जिन पेपर्स पे आप लिखते हो, ये कागज़ भी हमारा लकड़ी से ही बन रहा है। इसके अलावा देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज़ के होते हैं, यानी कि उन प्लांट से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि देखो आपका नीम का जो पेड़ है उससे दवाइयाँ बनती है, तुलसी से दवाइयाँ बनती है,
तो प्लांट से दवाइयाँ भी बनाई जाती है। अब देखो, एक रबर ट्री होता है, उसमें से एक वाइट मिल्क एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, जिससे रबर बनाई जाती है। और रबर से क्या बनाते हैं, देखो रबर से आपके इरेजर, टायर्स, रबर के पाइप्स, ये सब बनते हैं। तो देखो प्लांट से हमें रबर भी मिल रहा है। इसके अलावा देखो, प्लांट्स बहुत से एनिमल्स को, बर्ड्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। भाई देखो, जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर बर्ड्स, एनिमल्स रहते भी हैं ना, तो इन्हें घर भी दे रहा है प्लांट्स। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि जैस्मिन का, रोज़ का, तो इन फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है। देखो यहाँ पे हमने प्लांट्स के यूजेस के बारे में पढ़ा। देखो प्लांट्स से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। आगे देखो, प्लांट्स आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। देखो प्लांट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये हमारी मतलब ये किस प्रकार से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है वो पढ़ते हैं हम। देखो जब प्लांट्स खाना पकाते हैं, फूड बनाते हैं, तो देखो आप जानते हो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं और खाना पकाते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन गैस को हवा में छोड़ते हैं, जिससे हमारी एयर फ्रेश और क्लीन रहती है। इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और तभी आपको कहा जाता है अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाओ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, ताकि हमारी एयर फ्रेश रहे, हमारी एयर क्लीन रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे तो हमारी एयर में ऑक्सीजन होगी, प्लांट्स ऑक्सीजन देंगे, एयर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होगी, तो एयर क्लीन होगी, फ्रेश होगी। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया अच्छे से चैप्टर? अब आप इस चैप्टर को रीड करोगे।